हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता। ये सेमीकंडक्टर एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज का लेक्चर 4 है, जिसमें आज हम कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर का डेरिवेशन करेंगे और फिर सेमीकंडक्टर के भी कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। तो क्या किया हमने, एक मेटल ले लिया और उस मेटल के दोनों एंड्स पे हमने बैटरी, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। वोल्टेज अप्लाई करने पे चार्ज जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के साथ। तो एन नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं इतने एरिया को क्रॉस करते हुए। कंसीडर अ कंडक्टर जिसकी हमने लेंथ ली है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये। ई अप्लाइड फील्ड है, जब हमने अप्लाइड फील्ड की तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव करने लगे वीडी वेलोसिटी के साथ, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल लीजिए इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख के ये फिगर बनाइए, फिर इसके बारे में लिखते हैं और ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशन सिग्मा का। तो कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एज शोन इन फिगर, एंड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये। ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वी डी बी द एवरेज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ एज शोन इन फिगर तक करिए, बाकी तो आप जब ड्राइव करेंगे उसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ही, है ना। क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग एनी प्लेन पी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इन 1 सेकेंड कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है वी डी वेलोसिटी के साथ ए एरिया क्रॉस कर रहे हैं, तो इतना जो है पर सेकेंड मूव कर रहे होंगे। अगर हम ई चार्ज ले लें तो चार्ज कितना मूव कर रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ ई बी द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन देन चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, तो ई से मल्टीप्लाई कर दिया ई एंड बी डी ए। फिर हमें क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो हम 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो चार्ज अपॉन टाइम, तो जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, तो आई आ जाएगा। आई भी कितना आएगा, ई एन वी डी अपॉन इंटू ए। तो चार्ज आ गया तो करंट कर सकते हैं, करंट पर सेकेंड कितना हो जाएगा, टी की जगह 1 ले लेंगे तो ई अपॉन टी हो जाएगा। ई है हमारा यहाँ पे ई एन बी डी ए, टोटल जो चार्ज फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से, तो 1 सेकेंड में करंट हो जाएगा ई एन बी डी ए, इक्वेशन 1। तो करंट आ गया तो करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल टू आई बाई हाँ, जे इक्वल टू आई बाय ए। तो क्या करेंगे, आई आ चुका है तो एरिया से डिवाइड कर देंगे तो करंट डेंसिटी आ जाएगा। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक करंट आई इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड अक्रॉस एनी नॉर्मल प्लेन ऑफ अ कंडक्टर, हेंस आई इक्वल टू ई एम वी डी ए, इक्वेशन 1। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। द करंट डेंसिटी जे इज द करंट पर यूनिट एरिया, सो करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे इक्वल टू आई अपॉन ए। तो आई की वैल्यू है ई एन वी डी ए अपॉन ए, ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो जे हो गया ई एन वी डी, इक्वेशन 2। और क्या कर सकते हैं, ई इंटू एन चार्ज और ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज डेंसिटी बन जाएगा वॉल्यूम के अंदर। तो हम इन दोनों को ई इंटू एन को हम रो से रिप्लेस कर सकते हैं चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, रो ना यहाँ पे 2 बार यूज होगा, एक बार चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में होता है और एक बार रेजिस्टिविटी की टर्म्स में होता है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। जे इक्वल टू रो वी डी लिख सकते हैं, रो का मतलब है ई एन और ई एन क्या है, चार्ज डेंसिटी। रो इक्वल टू ई एन हो सकता है, लेकिन याद रखना ये रो जो है चार्ज डेंसिटी का है, और जो आगे हम रो यूज करेंगे वो रेजिस्टिविटी वाला होगा। तो
तो चाहे तो हम ये थर्ड वाला स्टेप जो है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत ही है हमें तो सिग्मा निकालना है ना, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी निकालनी है तो फिर सिग्मा की टर्म्स में निकाल लेंगे, रो की टर्म्स में, सच ऐसा जरूरी है। तो जे इक्वल टू रो वी डी, पेयर रो इक्वल टू ई एन इज अ चार्ज, वी डी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी प्रोपोर्शनल हटाया तो कॉन्स्टेंट आया म्यू ई, वेयर म्यू इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स। तो वी डी इक्वल टू म्यू ई ई हो जाता है, और इस वी डी की वैल्यू इक्वेशन टू में आप पुट कर सकते हैं, तो करंट डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप चाहें तो कितना पार्ट को स्केप कर सकते हैं, मतलब उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है यहां से, बल्कि यहां तक के बिना हमारा काम चल सकता है। हम इक्वेशन थ्री के बिना भी इसको आगे डेरिवेशन को कर सकते हैं। सिंपल है, इक्वेशन टू में हमें वीडी की वैल्यू रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, दोनों पर मतलब वी डी जो है प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू ई आ गया, और हमने वी डी की वैल्यू म्यू ई इंटू ई जो है इक्वेशन टू में पुट कर दिया। तो इक्वेशन फोर और टू से आया जे इक्वल टू, और ई एन म्यू ई को हमने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जिसको हमने सिग्मा बोला, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स या कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर इनवर्स, तो दोनों का इनवर्स होता है ओम का और मीटर का। तो सिग्मा इक्वल टू ई एन म्यू ई, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे डिपेंड कर रही है, और मोबिलिटी म्यू ई पे डिपेंड कर रही है। और जो कंडक्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी होती है, इन दोनों में एक दूसरे से रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो रो इक्वल टू वन अपॉन कंडक्टिविटी और इक्वल टू वन अपॉन ई एन इंटू म्यू ई। तो ये कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है कंडक्टर्स के लिए। हमें क्या करना है, सेमी कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन या ड्राइव करना है। यस इलेक्ट्रिकल मैम, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग जो है। कंडक्टिविटी क्या है, जो होती है जब एक जगह से दूसरी जगह हम मूवमेंट करा दे। अब इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मेटल, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर का वेरिएशन है तो थर्मल कंडक्टिविटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी विच मेजर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। कितना इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जा रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में डिफाइन करते हैं। सिल्वर की जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, आइडियल मेटल हैज हायर कंडक्टिविटी। इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है लो होती है, और सेमी कंडक्टर की कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। मेटल हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सच एज एएस एसबी बीआई एसएन है ना, टिन आर्सेनिक बिस्मिथ। इन सब की जो है लोअर कंडक्टिविटी होती है कंपेयर टू आइडियल मेटल, एंड लार्ज कंडक्टिविटी कंपेयर टू इंसुलेटर, बट इंसुलेटर से फिर भी ज्यादा होती है। फिर ऑलमोस्ट मेटल एलिमेंट आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल विच आर फ्री टू मूव, दस फ्री इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू मेटल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हमने बताया कि किस तरीके से फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन गैस की तरह मूव करते हैं, और जब पावर सप्लाई करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो कंडक्टिविटी इक्वेशन टू सिग्मा, अब ये वाली इक्वेशन आपको ड्राइव करनी आती है। कंडक्टिविटी इक्वेशन इन द केस ऑफ मेटल इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू ई, चार्ज कैरियर से क्यू चार्ज है, म्यू मोबिलिटी है, और सिग्मा कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है। चलिए फिर उसके आगे करते हैं। फॉर सब मटेरियल करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है जो जे है वो सिग्मा ई के बराबर होती है, सिग्मा कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी सिग्मा है तो रेजिस्टिविटी वन अपॉन सिग्मा हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रेसिप्रोकल होते हैं। तो जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, या रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी उतनी कम होगी।
रो इज डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ कनेक्शन, कितनी लेंथ में मूव कर रहे हैं, कितने एरिया में मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है. कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो सीमेन होता है. कंडक्टर्स मोस्टली आर मेटल्स, हमें पता है मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं. इंसुलेटर नॉन मेटल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है. सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कंडक्टर्स के कि किसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है और रेजिस्टिविटी कितनी होती है, और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर इनको कंपेयर करके दिखा रखा है. जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट वाली फिगर आप ध्यान से देखो, ये वाला चार्ट, तो पहले कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी है यहाँ पे, फिर सेमी कंडक्टर है, फिर इंसुलेटर है, और इधर जो साइड वाला ये ग्राफ है यहाँ पे कंडक्टिविटी के टर्म्स में है. तो इंसुलेटर की 10^-24 से स्टार्ट होकर 10^-8 तक कंडक्टिविटी होती है, तो मतलब कितनी कम होती है. फिर सेमी कंडक्टर दिखा रखा है 10^0 से 10^-4. फिर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की या कह लीजिए कंडक्टर्स की, जिसकी कंडक्टिविटी 10^4 to 10^8 के बीच में होती है. तो जब कंडक्टिविटी की पावर पता है तो रेजिस्टिविटी की पावर अपोजिट हो जाएगी. तो ये 8 तक दे रखा है, तो यहाँ पे देखे सबकी पावर -8 हो रही है रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, ऐसी सेमी कंडक्टर में. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेमी कंडक्टर्स को जानते हैं. तो जो प्योर फॉर्म होती है उसको हम जर्मेनियम सिलिकॉन बोलते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है, उसको इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं. एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं. इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर. एन टाइप सेमी कंडक्टर्स में क्या करते हैं, हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, एक्स्ट्रा होता है, एक वो डालते हैं. तो जैसे पी हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मिथ हो गया, टिन हो गया, डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए. जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो मतलब वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. तो यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है तो एक्सेप्टर होगा, ठीक है. एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पी टाइप की. और एक मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेमी कंडक्टर. कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स को बराबर बराबर मात्रा में ऐड किया जाता है. जैसे ZnO हो गया, ZnS हो गया, CdS हो गया. वैसे कई बार हम इसको ऐसे भी बना लेते हैं, ZnXO1-X. तो वैसे तो नॉर्मली हम 0.5 रखते हैं, तो मतलब 50% रखते हैं, ठीक है. अब अगर हम किसी को ज्यादा रखेंगे, किसको कम रखेंगे, तो फिर वो एक अलग केस हो जाता है कि किस तरीके का इनका बैंड गैप या किस तरीके की चीजें चेंजेस होंगी. तो ZnO, ZnS, CdS बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, टू ग्रुप्स के एलिमेंट्स को मिला के सेमीकंडक्टर फॉर्म किया गया है. कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. तो क्वेश्चन लिखिए इसको, फिर एक्सप्रेशन जो हमने कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन कंडक्टर्स के लिए लिखा था, अब वो हमें सेमीकंडक्टर के लिए लिखना है, करना है, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स तक की नोट करनी है. तो पहले इंट्रिंसिक के लिए लिखना है, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिखना है, और एक्सट्रिंसिक में भी एक बार हमें एन टाइप के लिए लिखना है, एक बार हमें पी टाइप के लिए लिखना है. ड्राइव नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम कंडक्टिविटी कंडक्टर का ड्राइव कर चुके हैं, तो उसी को यूज करते हुए हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एक्सप्रेशंस लिखने हैं. जो हमने कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया है उसी को यूज करते हुए हम ये करेंगे. तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल इन रिस्पेक्ट दैट इन सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं. ये बाइपोलर डिवाइस हो गई क्योंकि दोनों इसमें यूज हो रहे हैं एज ए चार्ज कैरियर, जबकि मेटल्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं. तो क्या डिफरेंस आएगा कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में, उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो ये हम पहले क्या कर रहे हैं, मेटल की कंडक्टर्स की हमने कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखा. क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू एन क्यू ई म्यू ई,
ये होता है वेयर क्यू क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, एन क्या है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, म्यू ई इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स दिखाया। हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं जो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, है ना। तो पहले यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे करना स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे, एनी इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है कंडक्शन बैंड में, एनएच है होल डेंसिटी बैलेंस बैंड में, म्यू ई है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कंडक्शन बैंड में, म्यू एच है होल्स की मोबिलिटी इन बैलेंस बैंड। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन, हाँ ये पूरा लिखना है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का था, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ होल को भी ऐड कर देंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर में वो कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, तो हमने क्या किया, सफिक्स में एनी लिख लिया। कंडक्शन बैंड की कंडक्टिविटी कितनी है, सिग्मा ई इक्वल टू एनी ई म्यू ई इक्वेशन टू। जैसे ही हमने कंडक्टिविटी लिखी है इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में, ऐसे ही होल की कंडक्टिविटी हो जाएगी वैलेंस बैंड में। तो सिग्मा पी इक्वल टू, चाहे पी लिख लेना चाहे एनएच, सिग्मा एच लिख लेना, ठीक है, एनएच ई म्यू एच इक्वेशन टू। तो टोटल कंडक्टिविटी की बात करें सेमी कंडक्टर में क्या होगी, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ई प्लस सिग्मा पी, दोनों को एड कर लेंगे। तो सिग्मा इक्वल टू एन ई ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच। यहाँ से E कॉमन ले सकते हैं चार्ज, तो बाहर ले लिया। साथ में अब हम क्या करेंगे, ये सिंपल जनरल एक्सप्रेशन आ गया कंडक्टिविटी का सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब हम इस एक्सप्रेशन को इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए और लिखेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स इन द केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स, या हम इसको कह ले प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स, क्या होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दोनों बराबर होते हैं, दैट इज एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई, ये वैल्यू रखेंगे। तो एन आई क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन सेमी कंडक्टर्स। तो एन आई भी बाहर आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। हेडिंग हो गया इसी के अंदर सब हेडिंग, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लिख रहे हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ड्यूरिंग क्रिस्टल ग्रोथ द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज फार फार ग्रेटर देन होल कंसंट्रेशन। तो होल कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज नाउ रिप्रेजेंट एन डी, यहाँ पे हम एन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को, क्योंकि डोनर की वजह से आया है, डोनर एटम की वजह से, इसलिए इसको एन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में एन ई जो है ज्यादा हो जाते हैं एन एस से, और एन ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं फिर एन डी से क्योंकि डोनर एटम की वजह से है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो सिग्मा एन इक्वल टू एन डी ई म्यू ई होती है। तो फिर एन डी इज अ डोनर एटम पर यूनिट वॉल्यूम। पी टाइप के लिए क्या करेंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ लिखा है उतना ही लिखेंगे, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ क्रिस्टल ड्यूरिंग अ क्रिस्टल ग्रोथ द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, मैम पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, पी टाइप में भी चेंज होगा। पी टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाएंगे तो फिर एक्सेप्टर एटम की वजह से कंडक्टिविटी होगी, है ना। कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या बताया, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू प्योर क्रिस्टल ड्यूरिंग अ क्रिस्टल ग्रोथ द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल हो जाएगी इन कंपैरिजन टू होल कंसंट्रेशन। तो नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। लेट होल कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन ए से रिप्रेजेंट कर देंगे।
एक्सेप्टर की वजह से. तो क्या होगा, पी टाइप जब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लिखेंगे तो ये एन एच की जगह यहाँ पे एन ए आ जाएगा. ठीक है, अब इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल से करना है, वो आपकी मर्जी है. वेयर एन ए क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर एटम पर यूनिट वॉल्यूम. थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए कमेंट. थैंक यू.